नमस्कार वेरी आफ्टर वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का बैंक अड्डा डॉट कॉम किस ऑफिशियल यूट्यूब uh, प्लेटफॉर्म और मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन में आज सुबह का से जो सेशन है सुबह आठ बजे का एडिटोरियल वो क्या यह सेशन नहीं हो पाया था फॉर सम रीजंस ठीक है और उसी जो है वो कॉम्पेंसेटरी एक क्लास तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन आ, आज बिल्कुल सब लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी सुबह आठ बजे और इसीलिए मैंने यहाँ पे शाम को चार बजे जो है एक सेशन यहाँ पे मैं आपके साथ जो है इस सेशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ इस पर्टिकुलर सेशन हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि इस सेशन में भी हम लोग आज यहाँ पे एडिटोरियल वर्ड्स ही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं क्या करने वाले हैं एडिटोरियल वर्ड्स ही हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में आपके आ, जो भी आज के एडिटोरियल पेजेस हैं उनके दोनों पेजेस के जो दोनों पेजेस के आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन दोनों ही एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ही सेक्टर के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो है कम से कम थर्टी प्लस वर्ड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हमेशा ये क्लास जो है वो रोज सुबह आठ बजे होती है लेकिन आज सिर्फ जो है मैं आज ये क्लास जो है वो शाम को चार बजे आज करवा रहा हूं सिर्फ आज के आज है क्योंकि आज सुबह की आज, आज क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी इसलिए अभी शाम को ये चार बजे क्लास हो रही है लेकिन सिर्फ आज के लिए कल से फिर हम सुबह आठ बजे ही मिलने वाले हैं एज यूजल ठीक है प्लस इसके साथ और क्या है इस पर्टिकुलर सेशन में इसमें आपके पांच क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मौजूद है जो एसएससी एस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस उसके साथ आपके पांच फ्रेजेस और रीडियम या फिर पांच फ्रेजल वर्ब्स ये भी आपके लिए रहेंगे और प्लस उसके साथ रूट वर्ड्स का भी हेल्प लेकर के हम पांच वर्ड्स आज यहां पे सीखने वाले हैं तो कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जल्दी से फटाफट एक बार रेडी हो जाइए बिल्कुल मुझे पता है कि ये थोड़ा सा और टाइम है हो सकता है कि खा पी करके सोने का टाइम है ठीक है या फिर हो सकता है कि फ्रेंड्स लोगों के साथ गपशप करने का टाइम है ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये एक दिन

दिन की शुरुआत और सेशन uh, समरी में जैसे कि आपको मैंने बता दिया थॉट ऑफ द डे हम लोग शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद फाइव क्वेश्चन होंगे एडिटोरियल वो कैप थर्टी प्लस वर्ड्स ईड फ्रेजेस फ्रेजेज फ्रेजल वर्ब्स रूट वर्ड्स आपके लिए रहेंगे प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे जो है वो अद्भुत यूसेज में आपको आज बताने वाला हूँ जो जो वर्ड्स हमारे साथ हैं यहाँ पे ठीक है चलिए और कोड ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं देखो बहुत ही मस्त कोड ऑफ द डे हालांकि ये जो कोड ऑफ द डे है वो अगर दिन में सुबह मैं बताता आप लोगों के साथ डिस्कशन करता तब तो मजा ही आता अगर सुबह बताता तो ठीक है लेकिन देखो अभी क्या हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस बिल्कुल सही बात है कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है ना वो कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है बनी बनाई चीज नहीं है कि कहीं हम गए और खुशी अगर मिलती है तो उसे लेकर के आ गए हैप्पीनेस अगर कहीं मिलती है तो उसे लेकर के आ गए इट्स नॉट अ थिंग विच इज रेडीमेड इट इज द रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शन ये आपके ही कर्मों का फल है जो हैप्पीनेस या फिर सौरव बनकर के आपके सामने आता है इसलिए अच्छे काम अच्छे काम करिए अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातें करिए पॉजिटिव आउटलुक रखिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए मोटिवेट रखिए अपने आप को बिल्कुल हमेशा और देखिएगा यू विल बी हैप्पी फॉर एवर है ना चलिए स्टार्ट करते हैं फाइव क्वेश्चन जो आपके लिए मौजूद है पांच क्वेश्चन जो आपके लिए हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा और जल्दी से बताइए so वन हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है स्टडी ऑफ एंसियंट सोसाइटी एक मिनट मैं भी थोड़ा सा शेयर कर दूं मेरे भाई ठीक है आप लोगों से तो शेयर करने के लिए मैं भूल ही दे रहा हूं मैं भी थोड़ा शेयर कर दूसरी okay. चलो सो स्टडी ऑफ एंसियन सोसाइटी इसका आंसर आपका क्या होगा एक बार जल्दी से मुझे बताइए ठीक है देखो इसका आंसर क्या हो रहा है इसका आंसर हो रहा है आपका एंथ्रोपोलॉजी इसका आंसर क्या हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी इसका आंसर हो रहा है हिस्ट्री का मतलब तो आप जानते ही हैं सब आर्कियोलॉजी का मतलब हो गया है सिविलाइजेशन है ना स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन उसको बोल सकते हैं सिविलाइजेशन है, से रिलेटेड है एंथ्रोपोलॉजी आपका सोसाइटी से रिलेटेड है और एटीमोलॉजी आपका वर्ड्स से रिलेटेड है मतलब जो भी हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यहां पे जो भी हम लोग वर्ड्स वर्ड बोलेंगे तो जो भी शब्दों की उत्पत्ति शब्दों का ओरिजिन शब्दों का यूसेज लेकर के जो मैं बात करूंगा उसे हम लोग बोलेंगे एटीमोलॉजी क्या बोलेंगे एटीमोलॉजी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा देखो थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड ऐसी चीजें ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते कैन नॉट बी रेड तो देखो लेजिबल का मतलब होता है रीड एबल ठीक है इनलेजिबल का मतलब होता है अन रीडेबल ऐसी चीज जिसे आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे नेग्लिजिबल का मतलब पता है कॉरिजिबल का मतलब होता है इनकरेक्टेबल मतलब जिसको आप कभी भी सुधार नहीं सकते हैं ठीक है जिसको आप कभी भी सुधार नहीं सकते उसको हम लोग बोल सकते हैं इनकरेक्टेबल मतलब कि कभी भी उसे आप सुधार नहीं सकते कॉरिजल जैसे मतलब कि तुम्हें तो कभी नहीं सुधारा जा सकता मम्मी पापा अक्सर हम लोगों को डांटते रहते ना कि बिल्कुल एकदम तुम डैश पूछ हो गए हो है ना तुम्हें कभी नहीं सुधारा जा सकता तुम सुधर नहीं सकते यू आर इनकॉरिजिबल अब आप घर जाए घर में जाके पापा को जब इतने ज्यादा पापा गुस्से में बोलेंगे ना कि तुम कभी नहीं सुधर सकते हो तुम तो डैश का पूछ हो गए हो एकदम ठीक है कभी इंसान नहीं माने तुम कोई नहीं सुधार सकता तो पापा को बोले पापा इतने सारे वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है वन वर्ड सब्सिडी मतलब यू आर इनकॉरिजिबल मैं समझ जाऊंगा है ना तो आंसर इसका क्या आ गया इनजिबल इसका राइट right आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स क्या होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स होता है एरिस्टोक्रेसी ठीक है एरिस्टोक्रेसी ये होता है आपका गवर्नमेंट बाय द नोबल्स का ठीक है और ब्यूरोक्रेसी होता है सिविल चलो, बहुत ध्यान से इसका आना है कमॉन देखो बताओ इसका ध्यान से बहुत आंसर बताना एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड स्पीड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड स्पीड इसका आंसर क्या होगा देखो विंड स्पीड की बात हो रही है देखो इसका आंसर एक्चुअली हो रहा है अनिमोमीटर क्या हो रहा है अनिमोमीटर अनिमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड स्पीड ठीक है बफरिंग हो गई शुरू हो गई बफरिंग देखो एनिमोमीटर आप सब सही है बिल्कुल देखना कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई आप सब सही हो गया एनिमोमीटर का मतलब हो गया कि एन इंस्ट्रूमेंट तो मेजर विंड की स्पीड यह तय करती है एनिमोमीटर लैक्टोमीटर क्या है यह है। है क्या चेक करता है अरे यार। ये आपका प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करता है ठीक बैरोमीटर आपका क्या चेक करता है विंड प्रेशर चेक करता है बैरोमीटर ध्यान देना यहां पे मैंने बोला है विंड 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 स्पीड स्पीड बोला बोला है wind speed बोला है है का प्रेशर बैरोमीटर चेक करता मैनोमीटर किसका चेक 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 करता 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 है 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 गैस गैस प्रेशर प्रेशर मैनोमीटर मैनोमीटर का और एनिमोमीटर आपका चेक करता है विंड का स्पीड तो ये आप ध्यान में देना बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा नहीं कि विंड स्पीड बोल दिया तो बस बैरोमीटर कर दो तो बैरोमीटर एक्जैक्टली विंड प्रेशर है और एनिमोमीटर है वो विंड आपका स्पीड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आज प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है आज आप लोगों के सपोर्ट की बहुत खासा ज़रूरत है मुझे ठीक है क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दूसरे टाइम में है तो लेकिन आप ही लोगों का प्लीज़ आप लोग ही हेल्प कर सकते हैं आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे जितना ज़्यादा क्योंकि आपको पता है कि आपके कौन से फ्रेंड सर्कल कौन यहाँ पे नहीं है आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से सोशल मीडिया यूट्यूब आप अगर यूट्यूब चैनल है तो वहां भी आप दे सकते हैं या फिर फेसबुक पर है या फिर आप आ, इंस्टा पे हैं आप व्हाट्सएप पे हैं अलग अलग जहां पर भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं कहीं भी आप प्लीज़ यहाँ पे शेयर ज़रूर करिए अभी हम लोग 500 प्लस के आसपास पहुंच गए 500 बच्चे अभी हमारे पास टारगेट कम कम। इस दौरान भी अगर थाउजेंड हम लोगों ने क्रॉस कर लिया तो सोचिए एक्चुअली मेरी मेहनत जो है वो आपको पसंद आ रही है ठीक है प्राइवेट और हायर्ड कार ये कोई भी प्राइवेट कार किसी भी इंसान की होती है फिर किसी भी बिजनेसमैन की हायर्ड कार होती है उसको ड्राइव करने के लिए जो प्रोफेशनल हायर किया जाता है उसको क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं शॉफिर उसको क्या बोल सकते हैं शॉफिर बोलते हैं ठीक है शॉफर तो देखो सी एच ए यू डबल एफ ईयूआर इसका याद रखना इसका स्पेलिंग भी आता है मिसपेल्ड भी आता है शॉफर ठीक है सी एच एयू डबल एफ ईयूआर देखो ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है कैरियर जो एक जगह जो एक जगह से जग, दूसरी जगह सामान वगैरह को ले जाता है ट्रांसपोर्टर ड्रोवर का मतलब क्या होता है ड्रोवर का मतलब होता है हर्ड्समैन होता है ना वो मवेशी जो कैटल को चराने के लिए जो गाय भे, भेड़ बकरी को चराने के लिए जो खेत पे लेके जाता है फिर उनको लेकर के आता है तो जिसको रखा जाता है दैट इज ड्रोवर शॉफर का मतलब तो आपको समझ में आ गया ड्राइवर की बात हो रही है यहां पे और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रस्ट वर्दी कॉन्फिडेंट है ना ट्रस्ट वर्दी पर्सन मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट मतलब जिसका मतलब कि हम क्या बोलें आ, जो कि आपका भरोसेमंद है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट मतलब वो हमेशा आपकी सीक्रेट जानता है उससे रिलेटेड ये आपका कॉन्फिडेंट ठीक है जो हमेशा आपकी सीक्रेट जानता है कोई ना कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा जरूर होता है कि हु इज आई आवर कॉन्फिडेंट है ना जैसे प्राइम मिनिस्टर पीओ पीएमओ ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर के भी जरूर कोई ना कोई एक, एक, एक इंसान या एक मिनिस्टर या फिर कोई ना कोई एक असिस्टेंट जरूर होता है जो उनका कॉन्फिडेंट होता है कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र या फिर बिल्कुल एकदम हर सीक्रेट जानने वाला ठीक है क्लियर हो गया चलो अब भाई डेली वो कैप डोज की तरफ आ गए लेकिन डेली वो कैप डोज स्टार्ट करेंगे बस छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐप के थ्रू आप कोई भी अगर प्रोडक्ट कर सकते हैं Y194 कोड दे करके 47 परसेंट का आपको डिस्काउंट यहां मिलेगा याद रखिएगा यह है इंफॉर्मेशन नंबर वन सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दूंगा पहला इंफॉर्मेशन कोई भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं करते हैं प्लीज ऐप के थ्रू करिए एक कोड इस्तेमाल करिएगा वाई कोड वाई कोड करिएगा सैतालीस प्रतिशत का आपको डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा नंबर अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल है प्लीज अपडेट करिएगा वरना फोर्टी सेवन परसेंट का डिस्काउंट नहीं मिलेगा ठीक है तो ये आपके ऊपर है जल्दी से जाइए कुछ भी आप यहां पर आप परचेज कर सकते हैं महापैक्स टेस्ट सीरीज आप ई बुक्स परचेज कर सकते हैं लाइव क्लासेस हो गया टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्सेज अलग अलग बैचेस हो गए तो वो सारे आप परचेज कर सकते हैं महापैक्स भी है टेस्ट सीरीज भी है वाई कोड ऐप के थ्रू भूलिएगा ठीक है अब आ जाते हैं डेली वो कैप की तरफ पहला वर्ड ध्यान देना अब शुरुआत हो गई है भाई ठीक है ओवरवेलम्ड देखो ओवरवेलम्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग होते है. तीन होते हैं हैं के. के, तीन तीन मीनिंग 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 के होता है 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 याद रखिएगा पहली तो इसकी लिखी हुई है, जो मैंने बोला अभिभूत ना जैसे हम बोल सकते son, son, heart, heart उसकी जो, उसका जो दिल था, था खुशी से भर चुका था ओवरवेल्ड विद जॉय हिज हार्ट वॉज ओवरवेल्ड विद जॉय इसका मतलब क्या गया? उसका जो दिल था वो बड़ा खुशी से भर चुका था तो यहां पे आपका फिल्ड हो गया ठीक है आपका सफ्यूज आप बोल सकते हैं सफ्यूज आप बोल सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स यहां पे आ जाएंगे याद रखिएगा ठीक है ये किसका एक मीनिंग हो गया दूसरी मीनिंग ओवरवेल्म्ड की मीनिंग होती है बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ या फिर बिविल्डरिंग भी बोल सकते हो बिविल्डरिंग है ना बिविल्डरिंग देखो कितना अलग मीनिंग हो गया ठीक है का मतलब बिल्कुल बिविल्डरिंग में काफी ज्यादा घबराया हुआ परेशान भी है बहुत ज्यादा परेशान भी है जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस uh, ईयर ठीक है दिस ईयर एस बी आई पीओ यू कैन एक्सपेक्ट मेनी एक्सपेक्ट दैट एस बी आई पीओ विल हैव ओवरवेलमिंग क्वेश्चन या फिर ओवर वेलम्ड क्वेश्चन ठीक है या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इस साल बहुत सारे सबका मानना यह जो है वो काफी ज्यादा ओवरवेलम्ब क्वेश्चन देगा बहुत ज्यादा घबराए जो है वो घबराने वाले वगैरह देगा ठीक है है इस तरह से हम बोल सकते हैं कि या फिर एग्जाम देने के बाद जो वी कैन विटनेस मेनी स्टूडेंट्स मेनी वेलमड स्टूडेंट्स तो इसका एक मीनिंग खुशी वाले सेंस में भी होता है दूसरे एक मीनिंग इसका घबराने वाले सेंस में भी होता है ये आपको ध्यान में रखिएगा कंफ्यूज वाले सेंस में भी ओवर वाले सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है याद रखेगा ठीक है कोई भी चीज जब जरूरत से तो बहुत ज्यादा भर जाए सो दैट इज ओवरवेलम ठीक है इसके एक तीसरी मीनिंग आती है जिसका मतलब होता है डिल्यूज ठीक है जैसे हम बोल सकते हैं कि द फ्लड ओवरवेल्म्ड द एंटायर सिटी मतलब किसी को भी बिल्कुल स्पेशली पानी अपने अंदर डुबो लेना अपने अंदर सारा का सारा चीज लेकर के डुबो लेना दैट इज नोन एज डिल्यूज या फिर ओवरवेलम हम बोल सकते हैं कि आ, हम बोल सकते हैं क्या हुआ आया था साइक्लोन, साइक्लोन 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 सुपर जो है, एंटायर सिटी। ने क्या किया? बिल्कुल अपने आप में समा लिया, पूरे, का, पूरे शहर को डुबो याद रखिएगा नेक्स्ट आपका वर्ड आ गया लिखा हुआ है, convalescent". Convalescent का मतलब हो गया स्वस्थ हो जाना या फिर रिकवर करना जैसे कि डेटा रिवील डेटा रिवीलेंट पीपल ठीक है दे आर मेनी पीपल हु आर अफेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम द कोरोना वायरस हुर इन अ कन्वेलसेंट पीरियड या फिर आर इन अ कन्वैलसेंट पीरियड इसका मतलब डेटा ये रिवील करती है कि बहुत सारे वो सारे लोग जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं वो सारे लोग अभी कन्वेलेसेंट पीरियड में हैं वो सारे लोग अभी किस पीरियड में रिकवरिंग पीरियड में एक और अच्छा वर्ड आप लिख लो रेक्यूपरेटिंग है ना रेक्यूपरेटिंग पीरियड में है मतलब वो सारे के सारे अभी फिर से रिकवर कर रहे हैं फिर से चंगा हो रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं रिक्यूपरेटिंग रिकवर बोल रहे हैं रिजुविनेट रीजुविनेट पीरियड में है

नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है क्लिनिकल बहुत शानदार वर्ड है क्लिनिकल ठीक है इसका भी तीन मीनिंग है ध्यान दो तीन है है इसके भी भी का मतलब पहला मीनिंग हो गया रोग रोग फिर ठीक जितने जो भी चीज है उसको आप बोल सकते हैं क्लिनिकल जैसे हम बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ठीक है नरेंद्र आवर प्राइम मिनिस्टर ही मेट सर्टन मेडिकल पर्सन ही क्लिनिकल मेजर्स इन ऑर्डर टू डिस्कस सम क्लिनिकल मेजर्स इसका मतलब क्या हो गया डिस्कस करने के लिए इस बीमारी से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए सो so, क्लिनिकल का एक मीनिंग आ गया क्लिनिक से रिलेटेड इसका मतलब बीमारी डिजीज से रिलेटेड उसके एनालिसिस से रिलेटेड दूसरी मीनिंग आती है क्लिनिकल का जिसका मीनिंग आता है अनडेकोरेटेड अनडेकोरेटेड या फिर अनएम्बेलिस्ड अनएम्बेलिस्ड इसका मतलब क्या हो गया कि बिना सजाया हुआ बिना साज मतलब सजाया हुआ बिना उसको सुसज्जित किया हुआ बिल्कुल प्लेन कमरा जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आई थॉट टू बाई टू बाई अ न्यू हाउस ठीक है या फिर द कपल डिसाइडेड टू अ न्यू हाउस एंड द न्यू हाउस वॉज एंटायरली क्लिनिकल मतलब क्या हो गया द कपल डिसाइडेड टू बाई अ क्लिनिकल हाउस मतलब कि जो कपल था शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया क्या खरीदने के लिए अ क्लिनिकल हाउस खरीदने के लिए डिसाइड किया अ क्लिनिकल अनडेकोरेटेड हाउस मतलब खरीदने के लिए डिसाइड किया अन

क्लिनिकल परफॉर्मेंस एकदम साफ सुथरा या फिर प्रेज वर्दी भी आप बोल सकते हो ठीक है हम लोग बोलते हैं ना क्लिनिकल परफॉर्मेंस जैसे कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को जो फाइव जीरो से हराया वनडे में सो इट वॉज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम द न्यूजीलैंडर्स मतलब एकदम क्लिनिकल परफॉर्मेंस था न्यूजीलैंड के जितने भी लोग थे जितने लोग नहीं जितने भी क्रिकेटर्स उनके द्वारा एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस था तो इस तरीके से इसके तीन तीन अलग अलग मीनिंग हो गए याद रखिएगा नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो लिखा हुआ है असर्टन क्या लिखा हुआ है असर्टेन असर्टन का दो मीनिंग होते हैं पहला मीनिंग हो रहा है सुनिश्चित करना या फिर डिटरमाइन करना जैसे कुछ बच्चे अभी मुझे बोलेंगे कि सर कैन यू प्लीज असर्टेन द डेट्स of SBI PO notifications, sir, can you please ascertain, ascertain the dates of SBI PO notification? मतलब sir क्या आप सुनिश्चित करेंगे? क्या आप determine करेंगे? कि SBI PO का ka notification कब आ रहा है 2020 का? So I cannot ascertain, I cannot ascertain the dates of SBI PO notification. मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता, ठीक है? और दूसरी इसकी meaning हो रही है, दूसरी इसकी meaning हो रही है furnish. है ना दूसरी इसकी मीनिंग फर्निश बोल सकते हैं या फिर रिवील बोल सकते हैं रिवील आप बोल सकते हो ठीक है फर्निश करना रिवील करना ठीक है या फिर आप आ, आ, क्या बोल सकते हो प्रोवाइड असर्टेन हाँ प्रोवाइड भी इसकी एक मीनिंग में आएगी कैसे मीनिंग में आएगी ध्यान दो जैसे बोल सकते हैं द पुलिस द पुलिस फेल्ड टू सर्टेन द रीजन बिहाइंड द क्राइम द पुलिस फेल्ड टू असर्टेन द रीजन बिहाइंड क्राइम इसका मतलब पुलिस जो है वो फेल हो गई टू असर्टेन द रीजन टू फर्निश द रीजन टू रिवील द रीजन टू प्रोवाइड द रीजन बिहाइंड द क्राइम मतलब जो भी घटना हुई थी जो भी क्राइम हुआ था जो भी पाप हुआ था अपराध हुआ था उसके पीछे का रीजन देने में कारण देने में पुलिस जो है वो असमर्थ साबित हो गई तो इसके भी दो मीनिंग एक तो होगा इरादा पक्का करना और दूसरा जो है वो होता है कोई चीज रिवील करना फर्निश करना प्रेजेंट करना प्रोवाइड करना मीनिंग में आ जाएगा पॉजिटिव वर्ड है याद रखिएगा असर्टेन नेक्स्ट वर्ड है आपका कैवेलियर अगेन इसके दो मीनिंग है बच्चों मैं आपको बार बार बताता हूं कि यू वॉन्ट फाइंड अ सेशन ठीक है मैं आपको बार बार यह बता रहा हूं क्योंकि सेशन उन उन सारे को में उन सारे को को ध्यान ध्यान में में रख एस्पिरेंट्स मैंने डिजाइन किया किया है किया है फ्रेम क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम नहीं देना चाहते लेकिन उनकी इंग्लिश जो है इतनी वीक होती है क्योंकि उनका एक तो ग्रामर वीक होता है दूसरा वो वीक होता है तो वो को स्ट्रॉग करने के लिए पर्टिकुलर सेशन उसके बाद जो है अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब तो मैं क्या बताऊं एस में तो डायरेक्ट पंद्रह से बीस नंबर का डायरेक्ट वो के ऊपर आता है और बैंकिंग में तो अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है वो कभी आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सो प्लीज

यहां से इसकी एक दूसरी मीनिंग निकली है यहीं से इसकी एक दूसरी मीनिंग निकली है जैसे जो घोड़े पे सवार होता है वो जनरली क्या होता है थोड़ा दंभ में रहता है ना थोड़े से एटीट्यूड में रहता है ना थोड़े से एरोगेंस में रहता है ना तो कैवेलियर का यहीं से मीनिंग निकला है जो आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एरोगेंट है ना थोड़ा सा एरोगेंट थोड़ा सा हॉटी बोल सकते हो एच ए यू जी एच टी वाई थोड़ा सा हॉटी थोड़ा सा कंसीटेड बोल सकते हो सीओ एन सी आई टी डी थोड़ा सा गर्वित थोड़ा सा गर्वित जिसे हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा एरोगेंट हो गया थोड़ा सा हॉटी हो गया थोड़ा सा अपने आप में होता ना कि भाई हम थोड़े से सबसे अलग है तो वो एक सेंस में आ जाना दैट इज अ कैवेलियर वो सेंस क्या बोलते हैं कैवेलियर एटीट्यूड जैसे हम बोल सकते हैं कि वेन माई फ्रेंड बिकेम रिच वेन वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिकेम रिच ठीक है आफ्टर अ लॉटरी विन वेन वन ऑफ माई फ्रेंड्स बीकेम रिच आफ्टर अ लॉटरी विन ही हैड कैबेलियर एटीट्यूड ही हैड कैबेलियर एटीट्यूड मतलब वो थोड़ा सा एरोगेंट एटीट्यूड आ गया हॉटी एटीट्यूड आ गया कंसीटेड एटीट्यूड आ गया ये सेंस में इस्तेमाल करेंगे ठीक है नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया प्रोफिलैक्सिस प्रोफिलैक्सिस देखो अभी बिल्कुल हर जगह जो है कोरोना से ही रिलेटेड सारी की सारी चीज़ है तो जो भी आपका यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं वो भी आपके किससे रिलेटेड हैं वो भी आपके उसी सारे के सारे डिजीज़ कोरोना उसके सिम्टम्स वगैरह मेडिसिन वगैरह ठीक है इसी सबसे रिलेटेड है तो प्रोफिलैक्सिस का मतलब हो गया प्रिवेंशन प्रोफिलाक्सिस का मतलब क्या होगा प्रिवेंशन जैसे कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज सम ड्रग्स एज द प्रोफिलैक्सिस एज अ प्रोफिलैक्सिस गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कुछ ड्रग्स को इस्तेमाल करना कुछ मेडिसिंस को इस्तेमाल करना प्रोफिलैक्सिस के तौर पे प्रिवेंशन के तौर पे किसके प्रिवेंशन के तौर पे प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लिखा हुआ है स्नबड क्या लिखा हुआ है स्नब एस एन यू डबल बी डी बहुत बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में इस्तेमाल हो चुका है S -N -U -B -E -D, स्नुप, स्नुप का मतलब होता है किसी को भी आप क्या कर देना किसी को भी इंसल्ट कर देना ठीक है किसी को भी एम्बेस कर देना किसी को भी एम्बेरस कर देना किसी को भी इंसल्ट कर देना किसी को भी बीम्यूज कर देना किसी को भी रिप्रीमांड कर देना ड कर देना किसी को भी रीबफ कर देना रीबफ कर देना किसी को भी ठीक है ये सारे के सारे मतलब होता है कि किसी को भी बहुत ही ज्यादा अनादर करना इंसल्ट करना एम्बेस करना बीम्यूज करना रिप्रीमेंड करना रिबफ करना उस समय बोल सकते हैं है जैसे हम बोलेंगे कि आ, जैसे हम बोल सकते हैं कि द डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टीज एंड स्टूडेंट साइमल्टेनियसली ठीक है उन्होंने सबको जो है वो डांटा फटकारा अनादर किया वगैरह ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया इग्नोमिनियस लॉट ऑफ टाइम्स एसएससी का फेवरेट वर्ड है याद रखेगा इग्नोमिनियस ठीक है कहीं कहीं लिखा होगा इग्नोमिनियसली कहीं के लिखा होगा इग्नोमिनियसली तो याद ignominiously इग्नोमिनियसली एडवर्ब हो गया और इग्नोमिनियस हो गया आपका इग्नोमिनियस का मतलब हो गया अपमानपूर्ण ह्यूमिलिएटिंग एम्बेरसिंग बिम्यूजिंग ठीक है रिप्रीमैंडिंग re ये सब का मतलब आपका हो गया इग्नोमिनियस तो और इग्नोमिनियस दोनों का बिल्कुल सही है एक ही मीनिंग है इनग्लोरियस भी इसकी मीनिंग हो जाएगी ठीक है स्केथिंग भी इसकी मीनिंग हो जाएगी एस सी ए टी एच आई एनजी स्केथिंग भी इसका एक मीनिंग हो जाएगा तो ये सारे के सारे आपके अपमान से रिलेटेड ये सारे के सारे वर्ड्स हैं याद रखिएगा ठीक है तो ये फर्स्ट स्लाइड हो गई है एक बार जल्दी से स्क्रीन ले लो मेरे प्यारे भाई ठीक है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ले और जल्दी से इस फटाफट जो है स्क्रीनशॉट को एक बार शेयर कर दें ठीक है जितनी ज्यादा बच्चे जो है जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा याद रखिएगा ठीक है बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि आज का सेशन हो रहा है एटलीस्ट उन्हें ये ना लगे कि आज का सेशन स्किप हो गया ठीक है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ये रहा नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए पहला वर्ड यूफेमिस्टिकली यूफे भाई बहुत बढ़िया शानदार वर्ड है ध्यान देना ये वर्ड आपका निकला है यूफेमिज्म से किससे निकला है यूफेमिज्म देखो एम आई एस एम है मिज्म तो ये नाउन हो गया इतना तो पता चल रहा है यूफेमिज्म ये एक नाउन हो गया यूफेमिस्टिक ये आपका एडजेक्टिव हो गया यूफेमिस्टिकली यह आपका हो गया एडवर्ब यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है यूफेमिज्म का मतलब यह हो गया कि आ, किसी भी हार्श वर्ड को किसी भी बहुत ही टफ लैंग्वेज को हार्श वर्ड को बहुत ही तीखे शब्दों को या फिर नेगेटिव वाक्यों को बहुत ही शालीनता के साथ बहुत ही शिष्ट भाषा में बहुत ही मतलब प्लेज मतलब प्लेजर के साथ अगर आप बोल रहे हैं ताकि सामने वाले को, को कोई भी तकलीफ ना हो उसे हम लोग बोल सकते हैं यूफेमिज़्म हम लोग क्या बोलेंगे यूफेमिस्टिकली बात कर रहे हैं या फिर यूफेमिज्म के साथ बात कर रहे हैं जैसे कि एक बात को मैं बता रहा हूँ जैसे कि अभी अगर आप बोलें तो एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था हम्म एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था रिट्रेंचमेंट है ना एक एग्जाम्पल आप पढ़ रहे थे रिट्रेंचमेंट या फिर अट्रीशन आपने देखा होगा अगर आप बोलोगे कि हाँ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली द गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ रिट्रेंचमेंट या द गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ लेट्स से लेट्स से लेट्स से लेट से लेट से अट्रीशन है ना तो अट्रीशन जो है रिट्रेंचमेंट जो है ये किसको बोला गया है ये थोड़े से नाई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है किस चीज को समझाने के लिए समझाने के लिए कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है रिट्रेंचमेंट मतलब तो क्या हो रहा है जॉब से निकाला जा रहा है अट्रीशन का मतलब तो क्या हो रहा है जॉब से निकाला जा रहा है तो आपको यह नहीं बोला जा रहा है कि यू आर सेक्ड फ्रॉम जॉब ठीक है यू आर सेक्ट फ्रॉम जॉब यू आर एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ योर जॉब ये नहीं बोला जा रहा बोला जा रहा है कि यू मतलब अट्रीशन जो है वो हो रही है कंपनीज uh, में रिट्रेंचमेंट हो रही है कंपनीज में तो ये जो वर्ड्स हैं जो कि आप खराब चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं दैट इज जैसे मैंने बोला कि ओके हिट द बकेट ठीक है हिट द बकेट जैसे हम बोल सकते हैं कि हिज ग्रैंड फादर हिट द बकेट लास्ट नाइट इसका मतलब क्या होगा बाल्टी को लात मारती है अब बाल्टी को लात मारने का मतलब क्या होता है हिट द सैक का मतलब सोना होता है और हिट द बकेट का मतलब होता है एक्सपायर कर जाना तो एक्सपायर अगर करेंगे तो हो सकता है किसी को थोड़ा सा बुरा लगे थोड़ा सा शॉक लगे इसलिए हिट द बकेट बोलते हैं थोड़ा सा अलग वर्ड में थोड़े से शिष्ट भाषा में माइल्डली बोलते हैं ताकि उसका इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो तो इस तरीके की चीजों को बोलते हैं यूफेमिस्टिकली याद रखिएगा ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया गिग जी आई जी देखो गिग होता है एक छोटी सी हल्की सी नाव जिसे हम लोग बोल सकते हैं गिग ठीक है छोटी सी हल्की सी नाव लाइट वेटेड बोट जो बोल सकते हैं ठीक है वो आपका एक तरीके से हो गया गिग लेकिन यहां पे जो आपके आ, एडिटोरियल में वर्ड इस्तेमाल हुआ था वो वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ था गिग इकोनॉमी वो वर्ड आपका कौन सा इस्तेमाल हुआ था वो वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ था गिग इकोनॉमी ध्यान में रखिएगा गिग इकोनॉमी है ना तो, तो गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूं गिग इकोनॉमी होता क्या है गिग इकोनॉमी एक ओपन मार्केट फंक्शन होता है गिग इकोनॉमी एक ओपन मार्केट फंक्शन होता है जिसमें जो है कंपनीज वगैरह जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वर्कर्स को हायर करती है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को क्या करने के लिए अचीव करने के लिए है ना शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ओपन मार्केट फंक्शन में क्या करते हैं आपको जो कंपनीज वगैरह वो हायर करते हैं इंडिपेंडेंट फ्री को ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट जो फंक्शन होती है इस तरीके की इकोनॉमी को हम लोग

एक और अच्छा वर्ड था हॉस्टिलिटी ठीक है अक्रीमोनी और भी बहुत अच्छे वर्ड है हॉस्टिलिटी एक्रीमोनी हो गए एनोमलीज uh, भी बोल सकते हो एनोमली ठीक है बिटरनेस हो गया हॉस्टिलिटी हो गया एक्रीमोनी हो गया एनोमली हो गया एनिमोसिटी यस एनिमोसिटी ठीक है एनिमोसिटी ये सारे के सारे हो गए रैंकर की मीनिंग मतलब विद्वेश ठीक है द्वेष कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दोनों मतलब दोनों बिटरनेस दोनों में बहुत ही दोनों एक दूसरे के प्रति खार खाए बहुत ही मुश्किल मतलब बहुत ही बिटरनेस बहुत ही दोनों में झगड़ा है हॉस्टिलिटी है ठीक है विद्वेश दोनों एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं एक्रीमोनी है एनिमोसिटी है कॉन्फ्लिक्स है एनोमली से वो सारे के सारे हो गए आपके रैंकर ठीक है जैसे वी शुड नॉट डेवलप फीलिंग्स ऑफ रैंकर वी शुड नॉट डेवलप फीलिंग्स ऑफ रैंकर टुवर्ड्स ईच अदर ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया क्रीकिंग साउंड भाई जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने हॉरर मूवी देखी होगी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने हॉरर मूवी देखी होगी सबको पता होगा कि क्रीकिंग साउंड मतलब क्या होता है हॉरर मूवी में एक सीन जरूर होता होगा जिसमें आपने देखा होगा कि वो जो दरवाजा है वो बंद होता है खिड़कियां बंद होती है ऐसे ऐसे करके एक साउंड बंद होती है ना अजीब सा साउंड एक होता है मतलब एकदम चरमराती हुई साउंड होती है और वो स्पेशलिटी होती है आपकी जो भी आपके क्या बोलते हैं वो हॉरर मूवीज के स्पेशलिटी होती है अगर खिड़की का साउंड नहीं है दरवाजे का

ठीक है मतलब एकदम चरमराते हुए ऐसे साउंड में आकर के जो बंद होती है दैट इज क्रीकिंग साउंड ठीक है चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करें नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है अनवारंटेड अनवॉरंटेड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट जस्टिफाइड जो कि जस्टिफाइड नहीं है जो कि अन है याद रखिएगा जो कि अनरी है अनजस्टिफाइड है ठीक है इमोरल आप नहीं बोल सकते हो आपका क्या बोल सकते हैं अनएथिकल अनएथिकल है अनजस्टिफाइड है अनरीजनेबल हम बोल सकते हैं अनवारंटेड ठीक है जैसे कि चाइना ने अभी क्यों मना कर दिया कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी जो है कोई भी नहीं कर सकता है आ, उसके देश में आकर के चाइना में आकर के कि कोरोना वायरस जो है उस आ, जो है लैब और वायरोलॉजी जो है वहां से फैला कि नहीं तो ऐसा वो क्यों कर रहा है ये उसके तरफ से लिया हुआ एक अनवारंटेड स्टेप है एक अनजस्टिफाइड स्टेप है एक अनरी स्टेप है एक अनएथिकल स्टेप है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है ठीक है बच्चों एक बार शेयर करिए फटाफट सेवन हंड्रेड प्लस हम लोग यहां पे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन को तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए प्लीज प्लीज प्लीज, जितने भी बच्चे हैं एक बार शेयर याद रखिए ये सिर्फ आज के लिए सेशन हो रहा है शाम को चार बजे अदरवाइज डेली ये सेशन सुबह आठ बजे होता है तो आई हंड्रेड परसेंट श्योर कि अभी बहुत सारे नए बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़े हुए हैं तो उन सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कल सुबह आठ बजे मेरे सेशन में हर दिन अब आपको आ जाना है ठीक है

ठीक है नाउन है नेगेटिव वर्ड है ठीक है तो सेकंड स्लाइड ये हो गया जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए जहां जहां आप ग्रुप्स में फैले हुए थर्ड स्लाइड की तरफ हम लोग चल रहे हैं और ये रहा आपका तीसरा स्लाइड ये रहा पहला वर्ड है आपके सामने जियो देखो जियो का मतलब होता है खतरे में डालना जान खतरे में डाल देना जैसे हम बोल सकते हैं कि द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इट हैज इट जियो इट जियो द लाइफ ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस पीपल मिलियन एंड मिलियन पीपल इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्प्रेड ऑफ जो कोरोना वायरस ने है उसने जियोपाडाइज कर दिया खतरे में डाल दी क्या कर दी लाखों करोड़ों अरबों लोगों का जो जिंदगी है वो खतरे में डाल दी ठीक है नेक्स्ट देखो इंडेजर आ गया या फिर इसका एक और अच्छा बड़ा आप लिख सकते हो इम्पेरल ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया लिखा हुआ प्लेंटिफ बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने इस्तेमाल किया ये एक लॉ से रिलेटेड वर्ड है याद रखिएगा ये एक जो है ना ये एक लॉ से रिलेटेड वर्ड है जैसे कि कानूनी भाषा में प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है प्लेंटिफ का मतलब वो होता है कि अगर कोई इंसान जैसे मान लेते हैं कि किसी के ऊपर किसी ने जैसे मान लेते हैं ए ने बी के ऊपर मानहानि का दावा किया मानहानि का केस किया ठीक है अब ए जो है पूरा बी को कोर्ट तक घसीद के लाएगा और उसके खिलाफ जो है वो चार्जेस फिक्स कराने की या फिर असर्टन कराने की कोशिश करेगा तो ए यहां पे क्या हो गया प्लेटिव समन हु ब्रिंग्स अ केस टू लॉ हु ब्रिंग्स अ पर्सन और अ केस टू द कोर्ट ऑफ लॉ उसे हम लोग बोल सकते हैं प्लेंटिव मतलब अक्यूज तरीके का बोल सकते हो ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आएगा लिखा हुआ स्क्वेबलिंग क्या लिखा हुआ स्कैबलिंग इसका जो नाउन होता है वो होता है आपका ये है आपका नाउन या फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो गया ठीक है जिसका मतलब होता है लड़ाई 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 झगड़ाई झगड़ाई नहीं झगड़ा करना करना फाइट करना क्वारल फाइट ठीक है ये इसकी मीनिंग हो गया स्क्वाबल की स्क्वाबल की मीनिंग क्या हो गया स्क्बलिंग मीनिंग हो गया लड़ना क्वारल करना फाइट करना ठीक है और एक और बहुत ही अच्छा वर्ड था स्क्बल का एक मिनट भाई मैं भी इंसान हूं यार मैं भूल जाता हूं ठीक है इसलिए मैं सब जो है वो बिल्कुल नोट करके रखता हूं आप सबके लिए ठीक है आ, अच्छा अच्छा मिनट 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 ठीक है कर, ओके फाइन 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 देखो उसको एबल का एक मतलब आपका ये हो गया कंटेम्पअस भी लिख सकते हो आप कंटेमस कंटेम ये मीनिंग भी इसकी एक सिनोनिम हो जाएगी आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट मीनिंग आपकी आ गई शॉडी नेक्स्ट आपका क्या हो गया शॉडी जैसे हम बोल सकते हैं कि द द पुलिस द पुलिस यूज द पुलिस अडॉप्टेड सम मेजर्स द पुलिस अडॉप्टेड सम मेजर्स टू कर्ब द मॉब टू कर्ब द मॉब इसका मतलब पुलिस ने भड़की हुई जनता को कर्ब करने के लिए मॉब को कर्ब करने के लिए कुछ मेजर्स लिए बट ऑल दोज मेजर्स वे शॉडी इन नेचर लेकिन वो सारे के सारे मेजर्स क्या थे वो शॉडी थे वो इनफीरियर थे वो क्या थे वो शॉडी थे वो इन्फीरियर थे वो इनसिग्निफिकेंट थे वो क्या थे आपके शॉडी थे इनसिग्निफिकेंट थे इन्फीरियर थे कोई मतलब नहीं था बिल्कुल बेकार था उसको हम लोग बोल सकते हैं शॉडी ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉडी बोलेंगे मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका एग्जैक्टली exactly कोई वैल्यू ना हो एग्जैक्टली exactly कोई वैल्यू ना हो तुच्छ हो ऑर्डिनरी हो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इन्फीरियर हमने बोल दिया उसको ठीक है एक तरफ से इन्फीरियर बोल दिया ठीक है और भी बहुत अच्छे वर्ड हैं एक तरह आप बोल सकते हो यहाँ पे रबिश ठीक है रबिश जो बिल्कुल एकदम बेकार हो रबिश बहुत अच्छा वर्ड है रबिश और एक बहुत बढ़िया वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ए डी डब्ल्यू आर वाई देखो टारडी और टॉड्री दोनों अलग अलग वर्ड है ध्यान देना टारडी वाई और टीए टी ए ए टी डब्ल्यू डी आर वाई ये दोनों अलग अलग वर्ड है ठीक है टारडी का मतलब होता है लेट और टॉड्री का मतलब हो गया आपका इंफीरियर एकदम बेकार ठीक है नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है रेपेशियस क्या लिखा हुआ रेपेशियस आर ए पी ए है ध्यान देना आर एपीए सीआई यूएस रेपेशियस रेपेशियस का मतलब हो गया बहुत ही लालची ग्रीडी एवराइसियस ठीक है ये वाला वर्ड आ जाएगा एक कोवेटस भी वर्ड आ जाएगा सीओवी टीओ यूएस कोवेटस ये बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड है रेपेशियस का मतलब क्या लालची स्पेशली जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द रेपेशियस लैंड ओनर्स ठीक है द तो आपने देखा होगा ना पुराने जमाने में जो जमींदार होते थे वो क्या होते थे जैसे करण अर्जुन मूवी अगर आपने देखी होगी तो अमरीश पुरी ने क्या किया था वो सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की जमीन जो है हड़प ली थी आप पुराने जमाने की जो जमींदार मूवीज में जो दिखाए जाते हैं वो जनरली क्या होते हैं वो हमेशा वहां पर क्या होते हैं वो इलिगल तरीकों से जो क्या होता है वो जमीन हड़प लेते तो काफी लालची होता है ना तो रेपेशियस लैंड ओनर्स बोल सकते हैं लेपेशियस रेपेशियस लैंड ओनर्स ठीक है लालची एवरेशियस उसको बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया एडीफाई एडीफाई का मतलब होता है शिक्षा देना एडुकेट करना आपको पता है मैं इसके पीछे आपको एक कहानी सुनाता हूं एडीफाई के पीछे कहानी सुनाता हूं ठीक है ध्यान दो देखो साढ़े सात सौ लोग अभी हमारे साथ देख रहे हैं मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास कर रहे होंगे ठीक है उन सबसे ये आग्रह भाई दरख्वास्त है बिल्कुल आपके एकदम दिल से यह दरख्वास्त है कि याद रखिए सेशन हर दिन सुबह आठ बजे होता है यह पर्टिकुलर सेशन ठीक है इसलिए जो बच्चे नए हैं काइंडली याद रखिएगा सारे के सारे लोग हर दिन सुबह आठ बजे जोड़ाना मत भूलेगा इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत कुछ होता है इस जो है पैंतालीस से पचास मिनट के सेशन में ठीक है और जितने लोग अभी देख रहे हैं काइंडली एक बार शेयर करेंगे और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करते चलेंगे चैनल को ठीक है अब देखो इसके पीछे का मैं मैं आपको आ, मैं बताता हूं क्या आ, आपको कहानी है जिंदगी भर मैं ये एडी वर्ड कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं ये एडी वर्ड मैंने कभी ना किसी बुक में पढ़ा था ना किसी एग्जाम के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तब पढ़ा था नहीं मैंने ये एडी वर्ड पढ़ा था कब पढ़ा था याद जब मैं एक मूवी देख रहा था hmm. जब मैं एक मूवी देख रहा था तब मैंने ये 85 फाइव वर्ड पढ़ा था और मैं आपको बता देता हूं मैं कौन सी मूवी देख रहा था मैं देख रहा था लियोनार्डो डी कैप्रियो की एक मूवी देख रहा था द शटर आइलैंड अगर आप लोगों में से किसी ने देखी होगी तो आप लोग एक बार बोल देना कि ये सर हमने भी देखी है कौन सी मूवी थी द शटर आइलैंड एस एच यू डबल टी ई आर शटर आइलैंड बिल्कुल कुछ इधर उधर का कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मूवी क्या है द शटर आइलैंड वहां पर जो एक सीन में ठीक है एक सीन और तब क्या होती थी मेरी इंग्लिश जो ना तब भी मैं भी आपकी तरह होता था मैं सुधार रहा होता था अपनी इंग्लिश तो तब मैं वो क्या करता था वो देखता था कि जहां पे सब टाइटल्स वगैरह हैं ठीक है तो तब डी कैप्रियो जो है वो एक बार बोलता है कि प्लीज एडी फाइय डॉक्टर्स ठीक है और वो कैसे बोलता है प्लीज एडीफा डॉक्टर्स ऐसे बोलता था वो एडीफाईस डॉक्टर्स ऐसे बोलता था तो वहां पर जब उसने लिखा प्लीज एडी फाइस डॉक्टर्स वहां नीचे लिखा कृपया आप हमें सुधारिये आप हमें तो वो वर्ड दिमाग में इनग्रेन हो गया मेरा बिल्कुल साइकी में एम्बेडेड हो गया वो वर्ड मैं कभी नहीं बोलूंगा तो यहां पर क्या मतलब हो गया एडिफाई का मतलब हो गया सुधारना शिक्षा देना हम लोग बोलते हैं ना कोई भी गलती हमने की मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा ये तो, तो तुमने गलती की तो हम क्या बोलते हैं अच्छा मैडम मतलब है, क्या सही होगा तो हम क्या प्लीज प्लीज एडिफाई एडिफाई यस मम्मी यस फादर ऐसे बोलते हैं ठीक है थीके? चलो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो गया ग्रोटेस्क क्या हो गया बच्चों ग्रोटेस्क देखो ग्रोटेस्क का मतलब हो गया डिफॉर्म या फिर डिस्टॉर्ट आपने देखा कि बहुत मान लेते हैं कि एक आपको आ, कुछ आ, क्या बनाया गया किसी की मूर्ति बनाई गई ठीक है जैसे कि मान लेते हैं कि आप सब लोगों ने बोला कि संतोष सर वो कैब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ज़बरदस्त पढ़ाते हैं वो कैब तो एक क्यों ना एक काम किया जाए जो है सर की मूर्ति बनाई जाए तो आप लोगों ने क्या किया सर की मूर्ति बनाई और मूर्ति जो है बनाने में अब आप लोग भी बच्चे हैं भाई मेरे प्यार भावना को तो, तो मैं समझ गया लेकिन जो है मटीरियल आप लोग अच्छा नहीं दे पाए भावना तो अच्छे दिया था आपने मटीरियल अच्छा नहीं दे पाए तो उसके बाद जो है सारे के सारे कौवा को सब लोग आकर के वहीं पर ठीक है सब लोग आकर के और पानी बरसात पूरा एकदम हालत खराब तो अब वो जो मेरी मूर्ति थी ना वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई ठीक है नाक जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया एक आंख नहीं है हाथ आधा से कहीं टूट गया तो अब वो अब वो मूर्ति क्या हो गई डिफॉर्म हो गई है डिस्टॉर्ट हो गई है क्या हो जाएगा डिस्टॉर्ट हो गई है डिफॉर्म हो गई है तो उस सेंस में आप बोलेंगे कि संतोष सर्स आइडोल आइडियोल मतलब मूर्ति होती है संतोष सर्स आइडोल हैज बिकम अ पीस ऑफ ग्रोटेस्क क्या बोलोगे हैज बिकम अ पीस ऑफ ग्रोटेस्क

ठीक है अगास्ट बोल सकते हैं अगास्ट ए जी एच एस एक और अच्छा वर्ड है ग्रिसली देखो बहुत अलग अलग वर्ड है जी आर आई एस वाई ग्रिसली अलग वर्ड है जी आर आई एस

राइट तो तीन स्लाइड्स आपकी हो गई ट्वेंटी फोर वर्ड्स यहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और सारे जो वर्ड्स मिला दूंगा तो शायद क्या 40 प्लस वर्ड्स आपके हो जाएंगे ठीक है अब ये आप एक चीज और देख लो ये तो हो गया स्क्रीनशॉट लेना तुरंत हम तो लोग आ जाते हैं फ्रेजेस और इडियम्स में फ्रेजल आज आपके लिए केवल पांच फ्रेजल वर्ब है हर दिन अलग अलग मैं देता हूं जैसे आज पांच फ्रेजल वर्ब है कल सुबह आपके पांच इडियम्स हो जाएंगे आस्क आस्क आफ्टर आफ्टर का मतलब होता है किसी का भी इंक्वायरी करना हेल्थ के बारे में और बताइए और संतोष सर आज आप कैसे है? मैंने बोला कि चलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स गुड इवनिंग फ्रेंड्स आपने बोला कि और संतोष सर कैसे हैं आप सर बताइए कैसे हैं आप ठीक है और कैसा चल रहा है सब कुछ बढ़िया तो यू आर आस्किंग आफ्टर ठीक है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यू आर आस्किंग आफ्टर अबाउट आस्किंग आफ्टर माई लाइफ इसका मतलब क्या हो गया आप मेरे से मेरे जीवन के बारे में हालचाल पूछ रहे दैट इज आस्किंग आफ्टर लेकिन अराउंड का मतलब होता है किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई सूचना लेने के लिए क्योंकि आप जा मतलब उसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में आप पता लगाना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सूचना लेने के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब आप किसी से पूछताछ करते हैं दैट इज आस्क अराउंड ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ एक्ट आउट एक्ट आउट का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना है फिर इलस्ट्रेट करना जैसे कि हम बोल सकते हैं आपने देखा होगा डम शराट जब डम शराठ जब आपको एक गेम खेला जाता है जिसमें अपने अपने हाव भाव से चीजें जो है बताई जाती हैं जैसे कि आ, एक क्या था जब मूवीज वगैरह नहीं थे तो एक आर्ट फॉर्म जो होता था जिससे सिर्फ जो है अपने बॉडी मूवमेंट से ही बॉडी लैंग्वेज से ही बताया जाता था कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है ठीक है तो इस तरीके से अपने हाव भाव से अपने अंदर के एक्सप्रेशन को बताना दैट इज नोन एज एक्ट आउट ठीक है

ठीक है, इंस्पायर ऑफ लॉट ऑफ फेलियर ही इज एकस इन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में वो इज एकिंग फॉर सक्सेस मतलब वो बिल्कुल एकदम डिजायरेबल है कि उसको चाहिए ही चाहिए बिल्कुल डिजायर कर रहा है एकदम ठीक है तो ये आपके पांच फ्रेजल हैं। जल्दी से इसका screenshot लीजिएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज के word पे। ठीक है तो आज का भी हम लोग रूट वर्ड ए और एन ही लिया है हम लोगों ने कल भी हम लोग पांच वर्ड पढ़े थे आज भी हम लोग ए और एन का पांच वर्ड पढ़ ले रहे हैं आप देखिएगा कितने नए नए वर्ड्स आज, आज आपको याद हो जा रहे हैं एम्ब्रोजिया है ना आपने एक बात बताओ अमृत का अमृत आपने अमृत की इंग्लिश जानी थी ना अमृत की एक इंग्लिश, इंग्लिश शायद होती है जो मुझे पता था एलेग्जियर जो मुझे पता था एलिग्जियर होता है दूसरा आज पता चल गया आप सबको एम्ब्रोजिया होता है दूसरा क्या होता है एम्ब्रोजिया दूसरा क्या होता है एम्ब्रोजिया एम ए का मतलब हो गया नॉट और ब्रोटोस का मतलब हो गया मॉर्टल और डेथ मतलब कि जो मरेगा नहीं ठीक है मतलब कोई ऐसी चीज जिससे मृत्यु नहीं हो सकती है दैट इज एम्ब्रोजिया मतलब अमृत एलिग्जियर जिसे हम बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया ए अनार्की. अनार्की, का मतलब क्या हो गया ए या फिर एन एन का मतलब हो गया विदाउट और आर्क का मतलब हो गया रूल विदाउट एनी रूल का मतलब क्या हो गया एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट व्हेन देर इज नो रूल कहीं भी कोई सरकार में कोई रूल नहीं है कुछ भी नहीं है दैट इज नोन एज एन अब देखो एन का मतलब आपको पता है कि विदाउट नो no या विदाउट होता है और आर्क का मतलब आपको पता चल गया रूल सो रूलआर का मतलब हो गया विदाउट रूल्स ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया ध्यान देना अ का मतलब हो गया नॉट और मॉर्फ का मतलब हो गया फॉर्म या फिर चेंजेस हम लोग ना चेंज हो जाना ए का मतलब नॉट या विदाउट तो चेंज नहीं हो रहा है चेंज हो ही नहीं रहा है शेप बदल ही नहीं रहा है इसका मतलब अमॉर्फस का मतलब का हो गया कोई ऐसी चीज जिसका शेप कभी भी नहीं बदल सकता विदाउट शेप विदाउट फॉर्म ठीक है उसको हम बोल सकते हैं अमॉर्फस ठीक नेक्स्ट चौथा वर्ड देखो लिखा हुआ है अग्राफिया अग्राफिया तो ए और या फिर एन उसका मतलब तो हो गया नॉट और ग्राफ का मतलब होता है लिख, लिखना राइटिंग तो इसका मतलब क्या हो गया अग्राफिया लॉस ऑफ अबिलिटी टू राइट जो लिख बिल्कुल नहीं सकता लॉस ऑफ अबिलिटी टू राइट जो बिल्कुल जिसमें लिखने की अबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसका मतलब ही सफरिंग फ्रॉम अग्राफिया क्या सफरिंग फ्रॉम अग्राफिया ग्राफ का मतलब लिखना हो गया ठीक है उसी तरह से तीस पांचवा आपका अलेक्सिया क्या है अलेक्सिया ए या एन का मतलब हो गया विदाउट और लेक्स का मतलब हो गया रीड करना जैसे ग्राफ का मतलब लिखना था लेक्स का मतलब हो गया पढ़ना रीड करना इसका मतलब कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड इट इज एलेक्सिया ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा एलेक्सिया हो जाएगा ठीक है बस आज रूटवर्ड्स आज का सेशन हम पूरे यहीं पे फिनिश करते हैं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि बहुत सारे नए बच्चे जो जुड़े हुए याद रखिएगा। डेली आठ बजे ये सुबह आपकी क्लास होती है डेली एट एट ए एम ठीक है आई वुड एक्सपेक्ट कि कल हमारे साथ जो है वो लगभग दो हजार बच्चे जो है इस पर्टिकुलर कल सुबह आठ बजे जुड़ेंगे याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है प्लस एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दू जो भी आप परचेज करना चाहते हैं पहले तो आप ऐप इंस्टॉल करिए फिर Y194 कोड आप अप्लाई करिए 47 परसेंट का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ऑलमोस्ट 50 परसेंट के आसपास है याद रखिएगा कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं महापैक लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स ई बुक्स कुछ भी परचेज कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है वो काइंडली इसे अपडेट जरूर करें अदरवाइज केवल बयालीस ही उन्हें डिस्काउंट मिलेगा अगर चाहते हैं कि डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा

बस कल सुबह मिलेंगे आठ बजे एटिटोरियल और फिर उसके बाद दस बजे आपसे मुलाकात होगी ग्रामर का सेशन और कल प्रिपोजिशन का क्लास होने वाला है याद रखिएगा जबरदस्त सेशन प्रिपोजिशन का होगा याद रखना है ठीक है तो बस अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते लाइक कर देना और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले चलिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरी